telegram chat i find that sir i was preparing from last 6 years i was preparing from last 5 years multiple uh, chats i have with me like this i took the screenshot whenever you guys will feel demotivated that will help you to get motivated again uh, that people were preparing from last 5 years last 6 years in very adverse situation and now they got selected in the rrb as the uh, as rrb in the final selection right yeah so good morning good morning everyone now one question which i am facing on the daily basis right now that what about tna what about tna so <coughs> guys i want to inform all of you that i will be on leave on monday and tuesday after the mock after the long 10 to 15 days in mock interviews yeah 15 days mock interviews uh, i am going on leave for two days i will be back from wednesday that will be 17th of March and TNA will resume from that day without any gaps. There will not be any gap, not a single gap in TNA from 17th of March. Okay? So from this day, because I could start it from today onwards, again Monday, Tuesday will be gap. So I, I find it will start it directly from Wednesday and after that there will be no gap in the TNA. Okay? 8 o'clock morning, uh, the class will resume.

टीएनए विल स्टार्ट सुन वेंसडे से स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी गैप्स भी आ रहे हैं ठीक है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपए वेरी गुड सो करेक्ट आंसर पील्डअप कैपिटल ऑफ इसीजीसी इज ए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर गूगल तो नहीं किया जल्दी से अदरवाइज गूगल कर लिया हो ओके okay.

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी इट इज अ कंपनी कंप्लीटली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री उत्तम चौधरी जी ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक वॉटर बॉटल है वॉटर बॉटल का कैपेसिटी है वन लीटर

ministry of commerce and industry mr. Piyush goyal is the minister responsible and this point is very very important guys last year also no, not last year last time in the ecgcpo this question has came in the examination the question was ecgc cover which types of risk consequence risk insurance man you cover karta ecgc so it covers commercial risk एंड पॉलिटिकल रिस्क कौन से रिस्क कवर कर रहा है कमर्शियल तो रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क को चलिए मूव करते हैं बाकी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है सी जी सी एग्जामिनेशन ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम बाकी सारे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है बेसिकली फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रवरी ठीक है विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एमओयू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंदर डैम और ऑल्सो कॉल्ड सहतूत डैम सहतूत डैम के निर्माण के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान एंड इट विल कॉस्ट अराउंड थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर एंड इट विल इट विल कवर दीप माई कैम ऑफ फॉर समाइम या इट विल इट विल प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वॉटर नीड्स टू द काबुल सिटी नेक्स्ट वन फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यूनियन बजट से आप कह सकते हैं तो क्वेश्चन इज फ्रॉम बजट डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन इन एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनियन बजट करेक्ट आंसर सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ रुपए सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है पिछले साल की तुलना में जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन वेर इज द्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज इंडिया से किसी को अपॉइंट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल

एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इट्स जय शाह आप सब लोगों ने काफी मैच में इनको देखा होगा राइट चलिए नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए सर नए सी ईओ कौन अपॉइंट हुए आयुष्मान भारत स्कीम के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करेक्ट आंसर है आर एस शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है रिपीट वापस से हो सकता है रिसेंटली भी किसी एग्जाम में ही पूछा गया था आर एस शर्मा सर का ठीक है नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज हैजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी ट्वेंटी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी ट्वेंटी अभी रिसेंटली किस स्टेट ने जीता है करेक्ट आंसर है तमिलनाडु करेक्ट आंसर तमिलनाडु तमिलनाडु won this trophy after defeating Vadodara. After defeating Vadodara by seven wickets. So runner up Vadodara had winner team was Tamil Nadu. One more question. Syed Mustaq Ali Trophy is associated with which game? In the form of static GK, Syed Mustaq Ali trophies is associated with which game? Correct answer will be cricket. कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कौन से वाले मैच में जय शाह ने खेला हुआ है बाकी लोग समझ जाना भाई कहीं नहीं खेला है नॉर्मली एक ह्यूमर था ठीक है च कंट्री हैज वॉन मैंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आई रिपीट अगेन किस देश ने मैंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का खिताब जीता है तो करेक्ट आंसर है आपके पास डेनमार्क करेक्ट आंसर इज डेनमार्क डेनमार्क डिफिटेड स्वीडन टू वॉन दिस To won this event for the second time. It was conducted on 31st. The final was conducted on 31st of January 2021. <coughs> Next, World War II drama. World War II drama into the darkness has won Golden Peacock Award at 51st International Film Festival of India, which was conducted in Goa. It was conducted in Goa, right? Pablo Caesar was the head of jury. Satyajit Ray was the person whose five movies, five movies of Satyajit Ray inko shoka skiya uh, in the honor of Satyajit Ray. Now, this darkness into into the darkness is the movie from which of the following country? Correct answer is Denmark. De ko answer aaye kailo ka answer hai, Perfect. Hai. So, correct answer is Denmark. So, it was the movie of Denmark. 51st. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी चेयरपर्सन वॉज पॉब फ्रॉम्री अटीना फर्स्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर हु वॉज ऑनर्ड हुईनटीन नाइनटी टू मैं रिपीट कर दू एक बार सत्यजीत रे जो थे वो पहले प्रोड्यूसर uh, डायरेक्टर थे जिनको सम्मानित किया गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न से 1992 में अगला क्वेश्चन देखें व्हाट इज थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस एंड गर्ल इन साइंस ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं ठीक है चलो पहले आंसर बता देता हूं करेक्ट आंसर है वुमेन साइंटिस्ट एट फोर फ्रंट फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन नागा इज लिशन टू मी केयरफुलशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड इलेवंथरी कब सेलिब्रेट होता है इलेवंथ ऑफ फेब्रुवरी को सेलिब्रेट होता है अच्छा है. एक और क्वेश्चन बनेगा नेशनल वुमेन्स डे नेशनल वुमेन्स डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डे ऑफ सरोजनी नायडू नाइट एंगल ऑफ इंडिया इनके बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है नेशनल वुमेन्स डे नहीं तो नेशनल वुमेन्स डे आया और आप आंसर लगा रहे हो ऑफ मार्च गलती हो जाएगी ठीक है नेशनल वुमेन्स डे कब आ, कब सेलिब्रेट होता है टीएनए टीएनए स्टार्ट हो जाएगा वेंसडे से नेक्स्ट वेन्सडे से डैम श्योर माई कमिटमेंट बिल्कुल लेट नहीं होगा सो नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है ऑफ थर्टीनरी थर्टींथ ऑफ फेब्रवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेन्स डे ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे एट ऑफ मार्च We confusion in theme. What is the theme of International Women's Day? By the United Nation. By the United Nation, the theme is women in leadership, achieving an equal future in the COVID-19 world. This is the theme by the United Nation. But International Women's Day com uh, community, International Women's Day community, according to them, their, the theme was hashtag choose to challenge. ठीक नाइन्टी परसेंट केस इन द एग्जामिनेशन दे विल आस्क अकॉर्डिंग टू यू एन इफ दिल नॉट आस्क अकॉर्डिंग टू यू एन ऑल्सो इट विल बी योर आंसर आपका आंसर यही वाला बनेगा वुमेन इन द लीडरशिप वाला पॉइंट क्लियर है मेरा वुमेन इन लीडरशिप वाला आपका आंसर बनेगा अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक फेसबुक के पहले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं सर correct answer is henry moines henry moines has been appointed as the first compliance officer of facebook next question the name of indian american who has been appointed as the acting chief of staff by nasa acting chief of staff nasa ka kisko appoint gaya important hai important question hai. <coughs> मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ मेरे सेकंड स्क्रीन पे आप लोग थोड़ा लेट चल रहा आर आंसरिंग इट लेट पहले आंसर देख रहे हो फिर आंसर कर रहे हो ऐसा कुछ है क्या जल्दी थोड़ा स्पीड में आंसर करो यार करेक्ट आंसर है भाव्या लाल भाव्या लाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ एक्टिंग चीफ ऑफ नासा नासा ठीक है नेक्स्ट वन इज द ऑथर ऑफ बुक यस मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर जो येस बैंक स्कैम हुआ था उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है येस मैन दट बुक इज ऑथर्ड बावन सिंह लाल पवन सिंह लाल ने यह बुक लिखी है एंड इट इज रेजिंग अग क्वेश्चन ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम वेन यू विल हैउट इट उससे आपको इफ यू आर अग एग्जाम एस प्रिंट यू विल एबल टू लर्न लॉर्ड ऑफ थिंग फ्रॉम हियर वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पी एच डी सी सी आई इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रैंक सो वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस रैंक इंडिया का क्या रैंक रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में तो करेक्ट आंसर है सेकेंड कुछ लोग बहुत स्पीड में आंसर कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक फ्यू आर आंसरिंग वेरी वेरी लेट गई थोड़ा स्पीड पकड़ो यार थोड़े दिन टीएनए क्या बंधुआ है ग्रिप नहीं छोड़ना है अभी मैं कवर करवाऊंगा वॉट एवर द डेज टीएनए मिस्ड उट इट हम कवर करेंगे इसको ठीक है तो वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंडिया का रैंक था सेकेंड जर्मनी वॉज ऑन टॉप जर्मनी वॉज ऑन टॉप साउथ कोरिया वॉज ऑन थर्ड पोजिशन साउथ कोरिया थर्ड पोजिशन पर था इसमें ठीक है तो ये टॉप लीडिंग टेन इकोनॉमीज का इंडेक्स निकालकर दिया गया इंडिया वॉज ऑन सेकंड पोजिशन च ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर इज गोइंग टू स्टॉप दे आर डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक अप्रैल दो हजार इक्कीस के बाद से इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो इंडिया में अपने फंक्शन को बंद कर रहा है दे विल स्टॉप फंक्शनिंग इन इंडिया करेक्ट आंसर इज पेपाल

बढ़िया क्वेश्चन विकास खन्ना की बात करें तो ऑफ ग्रेटिट्यूड इनका बुक आया था रिसेंटली आफ्टर दैट ही वाज आल्सो ऑनर्ड एशिया गेम चेंजर अवार्ड एशिया गेम चेंजर अवार्ड से ऑनर किया गया था मदर टेरेसा पीस प्राइज से इनको ऑनर किया गया विकास खन्ना जी को बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झुम्पा लेहरी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झुम्पा लेहरी इनका भी रिसेंट में नॉवल आया है वेयर अबाउट द प्रीवियस नॉवल्स वर द लो लैंड एंड द नीम सेक ऑलरेडी मूवीज भी बन चुकी है नॉवेल्स के ऊपर राइट नेक्स्ट वन पी एम मोदी एड्रेस्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट एडोप्शन समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लास्ट टाइम ईसी जी सी पीओ एग्जामिनेशन थ्री क्वेश्चन केम फ्रॉम द समिट तीन क्वेश्चन समिट टॉपिक से आए थे दैट इज वाई द समिट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ये ध्यान से देख लीजिएगा सो विच कंट्री होस्टेड इंटरनेशनल क्लाइमेट एडोप्शन समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन

इसका आंसर है 2030। सो इंडिया टारगेटेड 450 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2030। सबका आंसर आया बहुत बढ़िया इंटरनेशनल कस्टम डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सो इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे सेम डे पर इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट होता है कस्टम्स कस्टम्स uh, बॉल्सिंग रिकवरी रिनेबल रेजिलियस आर 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 याद रखना ये थीम था आपका 2021 का विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज इंग एमओयू फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एमओयू साइन किया है करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर इज पैरिस फ्रांस डॉक्टर फैत बिरोल इज डॉक्टर डॉक्टर एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर ऑल्सो दे के फॉर्म ऑफ स्टेटिक रिम्बर द हेडक्वार्टर पैरिस फ्रांस इज दवार्टर नॉट जिनेवा स्विटरलैंड बच्चों को लगता है जिनेवा आंसर लगा दो नाइनटी परसेंट सही हो जाएगा ऐसा नहीं है बहुत सारे अलग अलग जगह पर भी हेडक्वार्टर हैं सर च स्टेट हैज वन स्पेशल अवार्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लायसेज इन इलेक्शन इन नेशनल बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इलेक्शन स्टेट इलेक्शन सो द अवार्ड फॉर इट गिवन बाई गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट किसका आंसर आ रहा है जल्दी से आंसर बिहार नहीं है सर बताएं आंसर बिहार तो ऑप्शन में भी नहीं है चलिए क्या आंसर हो रहा है करेक्ट आंसर इज मेघालय करेक्ट आंसर इज मेघालय मेघालय हैज बीन फॉर इट इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज मिस्टर सुनील अरोरा मिस्टर सुनील अरोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़े व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अकॉर्डिंग टू द आई हेल्थ इंडेक्स में वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसेफिक सो इन द एशिया पैसिफिक द रैंक ऑफ इंडिया इज टेंथ विच कंट्री इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स सिंगापुर इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स इंडिया का रैंक है टेंथ एंड वट इज द विच कंट्री इज ऑन टॉप सिंगापुर इज ऑन टॉप हाउ मेनी सैटेलाइट है रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट कैरीड बाट इसरो ने पहले किया था अभी रिसेंटली स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है और अगर आप प्रीवियस एग्जाम देखेंगे डेटा रिलेटेड क्वेश्चन व मोर जहां पर आपसे डेटा पूछा गया है करेक्ट आंसर है वन फोर्टी थ्री करेक्ट so आंसर 143 फोर्टी हैज़ बीन लॉन्च्ड। द प्रीवियस रिकॉर्ड वाज़ 104 एंड सैटेलाइट इट वाज़ मेस्ड बाय पी पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो इन फ़रवरी 2017 में उसका रिकॉर्ड अभी ब्रेक किया डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर फिफ्टी वन क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया आई नो दैट मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं but I'm taking time so you can learn them easily today only who has been appointed as the managing director of google cloud india so google cloud india ke managing director appoint hue vikram singh bedi vikram singh bedi replace kiya hai karan बाजवा जी को करण बाजवा करण बेवजा जी जो हैं इनको Asia Pacific के लिए Asia Pacific के लिए promote कर दिया गया So he ही इज एक्चुअली गेट प्रमोटेड मैनेज एशिया पैसिफिकली और इंडिया के लिए अपॉइंट किया है कब्जा कि कर लिया अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था विधायक साहब जो थे और बंदूक बंदूक लेकर चले गए थे किसी गांव में और फाइनली वो गांव वालों ने घेर लिया ठीक है इंग्लिश स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल थिंग सो डोंट थिंक सर इज एक्सप्लेनिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट ठीक है तो उत्तर प्रदेश जी हाँ करेक्ट है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है 16 डिजिट टू आइडेंटिफाई द लैंड होल्डिंग्स मीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू लर्न इट लाइक आई एफ एस सी एम आई सीआर सिंपली सिक्सटीन कोड यूनिकोड विल बी इनफ टू आंसर दैट इट इज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश राइट नेक्स्ट वन यस लाइक पीएम एम स्वामित्व परफेक्ट पौ, विजय भास्कर परफेक्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फर्स्ट सॉरी फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है लद्दाख में एस्टेब्लिश किया गया है

मैकनाइजेशन दैट इज स्वयं स्कीम फाइनेंशियल इंड टी वन ट्वेंटी टू बजट से क्वेश्चन हो गया आपका निकी शर्मा जी बजट स्टार्ट होगा सॉरी बजट बोल रहा हूं टीएनए स्टार्ट होगा टीएनए स्टार्टिंग फ्रॉम वेन्सडे विदाउट एनी गैप्स अभी मैं मंडे ट्यूजडे हॉलीडे हॉलीडे नहीं लीव ले रहा हूं आफ्टर दैट फ्रॉम द वेंसडे ऑनवर्ट आई विल बी बैक एंड विल स्टार्ट दी एन ए विदाउट एनी गैप्स विदाउट एनी ब्रेक्स ठीक है और जितना अभी तक आपका लॉस हुआ है ट्राई टू कवर दैट आल्सो चलो आंसर सुन लो पहले आंसर देख लो सर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर स्कीम फॉर दिस 1050 करोड़ रुपी फंड एलोकेटेड 16,000 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फंड एलोकेशन था फ्यू ऑफ यू आर सेइंग 16,000 सो इट इज एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना है Next one. I think Siddhant is new on this uh, platform. S uh, Siddhant, our most famous show is called TNA, Today's News Analysis. It, it is our daily current affairs show, uh, starting again from Wednesday morning, 8 o'clock. So you can join us uh, on 8 o'clock next, next Wednesday. Next one. Nigerian, Nigeria, okonza.

अगस्त 2020 में ये रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट वन विच स्टेट विल क्रिएट फिफ्थ टाइगर रिजर्व दैट इज टाइगर रिजर्व मलाई टाइगर रिजर्व सो विच स्टेट फिफ्थ टाइगर रिजर्व इट विल बी यू कैन गेट कंफ्यूज बिटवीन केरला तमिलनाडु एंड कर्नाटका आई फील लाइक केरला तमिलनाडु एंड कर्नाटका दीज थ्री स्टेट्स कैन मेक यू कंफ्यूज करेक्ट आंसर इज tamil nadu so it will be the fifth tiger reserve of tamil nadu and 51st tiger century of india india ka 51st tiger century hoga next one how much money has been allocated to ISRO, Indian Space Research Organisation, for the financial 2020-21 for developing the capacity of launching satellites? what important. ISRO is in continuously news budget. So combination of budget and ISRO will be important. So correct answer is 900 crore rupee allocated for ISRO. 900 crore allocated for ISRO. ISRO headquarters is Bangalore, Karnataka. K. shivan is the chief of ISRO. Who has won Wildlife Photographer of the Year Public Choice Award 2021? Public Choice Award 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा इट विल डेफिनेटली क्रिएट द कंफ्यूजन एज वेल मैं भी दोनों में आपको डिफरेंस बता दूंगा फर्स्ट लेट सी द आंसर वॉट इज द आंसर आंसर इज रॉबर्ट रॉबर्ट इरविन आंसर इज रॉबर्ट इरविन अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात रॉबर्ट इरविन

लंगाना हैदराबाद शी इज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश याद रखियेगा वाराणसी सुन के उत्तर प्रदेश लगा दो मानसा वाराणसी इज फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद शी इज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश दूसरे नाम आपके पास आ रहे हैं मेनी का फ्रॉम हरियाणा मिस ग्रैंड इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी मान्या उत्तर प्रदेश मिस इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी रनरअप ये तीन नाम आपको याद रखने क्लियर नेक्स्ट वन हाउ मच वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट है अटल मिशन दट इज अमृत स्कीम अमृत स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेशन है हाउ मच इज द फंड एलोकेशन फॉर अमृत स्कीम अमृत so, स्कीम के लिए 78,910 सेवेंटी 78 78 78 ठीक है नेक्स्ट वन मारियो करोड़ वर्ड काफी आंसर करने के लिए मारियो हैज़ रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इलेक्ट हुए मिस्टर मारियो करेक्ट आंसर इज इटली मिस्टर मारियो इज Also, he has also served as the president of European Central Bank, European Central Bank. At present, the president of, at present, the president of European Central Bank is Kristalina Georgievica. No. No, 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 no. Kristalina Georgievica is IMF, right? IMF. Kristalina Georgievica is from Ireland. यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है जस्ट आई गॉट द नेम आई एम एफ क्रिस्टीन लगाडे क्रिस्टीन लगाडे यस क्रिस्टीन लगाडे लगाडे क्रिस्टीन लगाडे फॉर्मर चीफ ऑफ आई एम एफ शी इज द फॉर्मर चीफ ऑफ आई एम एफ फॉर्मर लग जाएगा यहां पर फॉर्मर चीफ ऑफ आई एम एफ क्रिस्टीन लगाडे इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड करेंटली क्रिस्टलिना जॉर्जवी का क्रिस्टली जॉर्जवी का इज द प्रेसिडेंट ऑफ आई एम एफ क्रिस्टीन लगाडे क्रिस्टली जॉर्जवी का कंफ्यूजन हो सकता है इवन आई गोट कंफ्यूज ठीक है याद रखेंगे दोनों पॉइंट को अच्छे से दोनों पॉइंट को बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वन विच एयरपोर्ट हैज अचीव्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन तो किसको एक तरीके का अवार्ड है विच एयरपोर्ट हैज गॉट द अवार्ड फॉर द वर्ल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक टू सर्व द कस्टमर्स प्रॉपरली टू लिसन देअर प्रॉब्लम करेक्ट आंसर इज कैंप गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज बैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया करेक्ट आंसर इज आईसीआईसी लॉम्बार्ट करेक्ट आंसर इज आईसीआईसी लॉमबार्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री विल इनफ्यूज हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड इन द करेंट क्वार्टर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन एंड इंप्रूव द एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज सो यहां पर आपके पास स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है जो डिसाइड की गई है टोटल अमाउंट इज थ्री थाउजेंड करोड़ रुपी टोटल अमाउंट इज थ्री थाउजेंड करोड़ रुपी कंपनीज आर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस सो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस इनका जो अप कैपिटल है दैट विल आल्सो इंक्रीज नेशनल नेशनल इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस थ्री स्टेट ओन्ड कंपनीज विल गेट द कंपनी तीन हजार करोड़ रूपये का रिकैपिटलाइजेशन इसमें किया जाएगा ठीक है तीन हजार करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन इसमें किया जाएगा टोटल बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ है द टोटल रिकैपिटलाइजेशन अमाउंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ नेक्स्ट वन Which of the following has released comprehensive report titled Traffic, Crash, Injuries, Disabilities, The Burden on Indian Society in association with Save Life Foundation? Which organization has launched it? Correct answer is World Bank. World Bank Headquarter, Washington, D.C., USA, United States of America, Mr. David, David Malpass, David Malpass is the president of World Bank at present. 27 December 1945 World Bank was started. 27 December 1945 World Bank was started. Next one. Union cabinet has approved production linked initiative scheme worth. How much amount for the telecom equipment and networking product मैन्यूफेक्चरिंग इट इज फॉर टू डिक्रीज दू डिक्रीज द इम्पोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड द प्रोडक्शन इन इंडिया टू इंप्रूव द मेक इन इंडिया सिंपल शब्दों में कहूं तो एक तरीके का सब्सिडी स्कीम है टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर के लिए करेक्ट आंसर है ट्वेल्व थाउजेंड वन नाइनटी फाइव करोड़ रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड वन नाइनटी फाइव करोड़ रुपीज का अमाउंट है ठीक है नेक्स्ट वन Justice P Venkat Sanjay Kumar has sworn as the Chief Justice of which of the following High Court? Correct answer is Manipur. Manipur High Court. Next one. Who has been elected as the new Director General of Special Assembly of International Solar Alliance? स्पेशल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ध्यान से सुनिएगा आर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर सिचुएटेड इन इंडिया भारत में दो इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं वन इज इंटरनेशनल सोलर अलाइंस हेडक्वार्टर इज गुरुग्राम हरियाणा सेकेंड इज इंटरनेशनल सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपीटिंग अगेन इंटरनेशनल सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज सिल्क बोर्ड सिल्क बोर्ड पूरा कर्नाटका कहीं भी कर्नाटक में पूछ ले इज सिल्क बोर्ड विल बी एबल टू आंसर सो सिल्क बोर्ड बैंगलुरु सिल्क बोर्ड इज फेमस फॉर इट्स ट्रैफिक ट्रैफिक अपने के लिए सिल्क बोर्ड फेमस है जी सिल्क बोर्ड फेमस है पूजा कुमारी जी द द मॉर्निंग करंट अफेयर शो विल बी रिज्यूमिंग फ्रॉम वेंसडे मॉर्निंग एट ओ क्लॉक मॉर्निंग एट ओ क्लॉकडे से स्टार्ट हो रहा है करेक्ट आंसर यहां पर अजय माथुर करेक्ट आंसर अजय माथुर न्यू डायरेक्टर जनरल Of assembly for International Solar Alliance and the headquarters of International Solar Alliance situated in uh, in uh, Gurugram, Haryana. Who became the first Indian chairperson of Advisory Committee of Human Right Council? Very important five-star rating concern, uh, uh, question. Hai that Advisory Committee of Human Rights Council, the first Indian who has been appointed on this position. Correct answer is Ajay Malhotra. Nazat Shamiim from Fiji. Nazat. Shami from Fiji recently appointed as the president and the headquarter of Human Rights Council is situated in Geneva Switzerland next one Ajay Malhotra became the first Indian to elect to be to become the chairperson of to become the chairperson of Advisory Committee of Human Rights Council Hima Das recently appointed as DSP by Assam government right Tata Motors Limited appointed Mark as the new MD and CEO. कैपिटल डेवलपमेंट फंड अपॉइंटेड प्रीति सिन्हा एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी द हाइएस्ट पोजिशन इन यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये नाम याद रखना बेटा यहां से पूछ लेगा नहीं तो प्रीति सिन्हा उषा राव उषा राव अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यू एन डी पी अपॉइंटेड बाईन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेटेंट ऑफ टोकियो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ कमेंट्स पुराने जो चीफ थे प्रेसिडेंट ऑफ टोकियो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो पुराने चीफ थे उनके कुछ कमेंट्स के बाद उनको रिमूव कर दिया गया एंड आफ्टर दैट रिसेंटली रिसेंटली सी को हासीमोटो सिको हासीमोटोजेड एज सिको हासीमोटोजेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोकियो ओलंपिकोक्यो ओलंपिक पायलट बेसिस पे जल सर्वेक्षण मतलब अभी पॉमनेंट आपका ये स्कीम नहीं है इट इज लॉन्च ऑन द पायलट बेसिस पे जल सर्वेक्षण पे जल जीवन मिशन पे जल सर्वेक्षण जो है इसको कितनी सिटीज में भी लॉन्च किया गया करेक्ट आंसर है आपके पास टेन सिटीज इट इज लॉन्च इन टोटल टेन सिटीज आउटले जो इसका वो है टू पॉइंट एट सिक्स लैख करोड़ रुपी टू पॉइंट एट सिक्स लैख करोड़ रुपी इंक्लूडिंग टेन थाउजेंड करोड़ फॉर अमृत मिशन टेन थाउजेंड करोड़ फॉर अमृत मिशन With which of the following country, India has recently signed a new agreement of space collaboration? Fifty-one question hai. last four five questions are remaining. So, space collaboration, mein India has recently signed sign Australia. Ke so, Australian Space Agency and ISRO, Indian Space Research Organisation, will uh, working uh, together on the strategic partnership in the space uh, exploration. Next one With ज रिकोगनाइज एज टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाई यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया इंडिया से किस सिटी को ऑर्गे किस सिटी को सिलेक्ट किया गया करेक्ट आंसर है हैदराबाद नो वन कैन इमेजन बट द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद तो हैदराबाद जो है इसको इलेक्ट इसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया से इंडिया से ठीक है इंडिया से सिलेक्ट किया गया है है हैदराबाद को नॉर्ट बेंगलुरु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी इनमें से क्या जी ट्वेंटी का मेंबर नहीं है कौन सा कंट्री जो है वो जी ट्वेंटी का मेंबर नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी चलिए आंसर लगाई क्विकली गाइज क्विकली गुरु जी सीता अब सीता अब एस एस सी एफ सी आई में जॉब करने लगी है जॉब करती है गुरु जी सीता जॉब करती है सो टोटल ट्वेंटी टोटल ट्वेंटी मेंबर्स आर देयर इन जी ट्वेंटी जी स्टैंड फॉर जर्मनी ध्यान से सुनिएगा जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी यू इज यूएसए आर इज रशिया नेक्स्ट यू इज यूके सो यूएसए रशिया यूके जे जापान आई इज इंडिया सो आई इज इंडिया एस Three times S, all three times we have South. South. It is South Africa, South Korea, Saudi Arabia. South Africa, South Korea, Saudi Arabia. Here we have Singapore. It means Singapore is not the member of G20. So your answer will be what? Singapore. Answer will be what? Singapore. My total 20 members repeat. Kar deta Germany, USA, Russia, UK. Germany, USA, Russia, UK, Japan, India, South Africa, Indonesia, Turkey. Turkey is the member, guys. Australia, Argentina, Brazil, South Korea, Saudi Arabia, China, China, France, Canada, Italy, Mexico, European Union, European Union. So it is the group of 19 countries, 19 countries and one group, that is one group, that is, that is European Union. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंगापुर आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर बढ़िया नेक्स्ट वन तो यहां पर मैंने लिस्ट रख दिया है इंटरपोल मीटिंग 2022 विल बी होस्टेड बाय इंडिया इंडिया विल होस्ट दीज ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोल मीटिंग 2022 जी ट्वेंटी इंडोनेशिया विल होस्ट 2022 प्रीवियसली इंडिया वाज

ग्लोबल फिल्म समिट 2021 इंटरनेशनल वर्ल्ड बर्ड फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश इन टू थाउजेंड ट्वेंटी इंपॉर्टेंट समिट यू गाइस कैन टेक द स्क्रीन शॉट मैंने यहां पर देखी इंपॉर्टेंट रिसेंट समिट्स रखे हुए हैं वेयर विल बी द समिट नेम ऑफ समिट ऑर्गेनाइज बाय वेन्यू

Which committee recommended the formation of insurance industry that is IRDI in India that is the regulator of insurance industry? Correct answer is Malhutra committee. Correct answer is Malhutra committee. Last question, question number 51. Last question, question number 51 that the the conversion of, conversion of lump sum debt, the lump sum loan to a series of repayment in the form of sum of principal and interest which is known as emi right we are calling it emi so simply lump sum amount into emi this conversion is called what is jata hai correct answer is amortization correct answer is amortization this process is called amortization point clear hai this process is called amortization guys here is the answer of multiple student those are asking टीएनए विच इज आर डेली करंट अफेयर शो डेली करंट अफेयर शो एट ए टी एम लाइव सो इट विल बी स्टार्टिंग बैक फ्रॉम सेवनटींथ मार्च वेन्सडे वेन्सडे से टीएनए स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी गैप्स विदाउट एनी ब्रेक सो आप टीएनए को वापस स्टार्ट कर सकते हैं एंड द प्रीवियस प्रीवियस न्यूज विच वी मिस्ड इन टीएनए वो भी मैं कवर करवा दूंगा अपकमिंग सेशन में दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर वरी ठीक है गाइज प्लीज डू नॉट फॉगेट टू लाइक कमेंट Share and subscribe to our channel. Please uh, like, comment, and subscribe to our channel. It is a, it is my request to all of you. Uh, your your uh, subscription and your uh, uh, likes are very very important to us. Please like the session. Please share it with, with your friends. I'll meet you now on Wednesday morning. I'll meet you now on Wednesday morning in TNA, guys. So do not forget TNA will be back from Wednesday morning at 8 o'clock. Till that time, keep watching all Board. best of luck and jahin.